स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द पॉलीनोमियल, हमें एक पॉलीनोमियल दे रखा है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलीनोमियल। एक पॉलीनोमियल दूसरे पॉलीनोमियल से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, एक्स प्लस ए। हमें के और ए की वैल्यू निकालनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम डिवाइड में डिजिट्स को रख लेते हैं। इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करना था इससे, विच इज एक्स स्क्वायर 2x प्लस के। एक्स की पावर 4 बनानी है, तो हमारे पास एक्स की पावर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होती है, तो क्या होगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। तो हम क्या करेंगे, माइनस 2x क्यूब। अब k की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से होगी तो क्या आएगा, ये आएगा, k की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर के साथ, तो आएगा एक्स स्क्वायर k, या फिर हम लिख सकते हैं k एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे इसको, प्लस के एक्स स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब हम कैंसिल कर देंगे इसे, 6 में से 2 है 4, और प्लस माइनस माइनस, साइन इसका जो डिजिट बड़ी होगी, तो 6 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस एक्स क्यूब। अब इन दोनों को हमने क्या करना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। हमारे पास डिजिट क्या दे रखी है, 16x स्क्वायर में से माइनस करना है kx स्क्वायर। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, विच इज एक्स स्क्वायर, उसे हम कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, 16 और इधर k, तो क्या आया, 16 माइनस k एक्स स्क्वायर। उसको हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 16 माइनस k एक्स स्क्वायर। ये डिजिट ऐसे लिख लेंगे, 25x प्लस 10। अब हमें बनाने हैं माइनस 4x, और हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x से, तो ये डिजिट बन जाएगी। माइनस 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 2x की मल्टीप्लाई होगी माइनस 4x से, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, और एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 8x स्क्वायर। उसको हम स्क्वायर के नीचे रख देंगे। k की मल्टीप्लाई माइनस 4x, तो क्या आएगा, माइनस 4kx। इसको हम यहाँ रखेंगे। अब ये जो माइनस है ये होगा प्लस, ये प्लस है ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस। प्लस माइनस माइनस कैंसिल। इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। सो हमारे पास है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो आएगा माइनस, क्या माइनस करना है, 8 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, 16 माइनस के माइनस 8। अब प्लस 16 माइनस 8 को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा, 8 माइनस के, और साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम स्क्वायर से लिख सकते हैं 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आगे लिखो या पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, और इधर इसको भी हम साइड में सॉल्व करेंगे, ये 25x प्लस माइनस माइनस, ये प्लस 4k। एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, माइनस 25 प्लस 4k, तो एक्स आगे लिखो या पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्या आया विद इन ब्रैकेट, माइनस 25 प्लस 4k, और एक्स, और 10 को ऐसे लिख लेंगे। अब हमें ये बनाना है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ओनली एक्स स्क्वायर गिवन है, और हमें बनाना है 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 माइनस के साथ, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी सिमिलरली ये बन जाएगा,
अब 2x की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो हम लिखेंगे दैट माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस k, तो क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई होगी 16x माइनस माइनस प्लस 2kx। और हम x कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो x कॉमन लेने पे क्या आया 16 प्लस 2k और x कॉमन, तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे प्लस 16 माइनस 16 प्लस 2k और x इज कॉमन। k की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ होगी 8 माइनस k के साथ, तो हम इसको लिख लेते हैं दैट k मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस k, तो k इंटू 8k, 8k माइनस k इंटू k स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 8k माइनस k स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो ये, सॉरी ये प्लस है तो ये क्या आएगा माइनस। अब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो हम डिजिट को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, वी हैव माइनस 25 प्लस 4 के एक्स और क्या है माइनस माइनस 16 प्लस 2 के एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से, एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो सबसे पहले एक्स को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा अंदर माइनस 25 प्लस 4 के, माइनस की मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट के अंदर हुई तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 16 और माइनस इंटू प्लस माइनस। अब 25 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वी हैव गॉट 25 माइनस 16 विच इज 9, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 9 और 4 में से 2 है प्लस 2k और बाहर के चल रहा है आपका x, आगे लिखो या पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ क्या बचा माइनस 9 प्लस 2k x और इधर क्या आएगा, इधर भी हम सॉल्व करेंगे इसको, अब हम लेंगे प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 10 माइनस 8k माइनस k स्क्वायर 10, जब इसका माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएगी चेंज, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का था वो किसका हो जाएगा प्लस का, तो हम उसको यहाँ रखेंगे। अब ये हमारा जो है वो रिमाइंडर आ चुका है और रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर होगा, रिमाइंडर के जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था कि इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा x प्लस a, तो इस रिमाइंडर को इसके बराबर रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रख कर लेते हैं, अब हम लिखेंगे माइनस 9 प्लस 2 के एक्स एक्स इज 10 माइनस 8 के प्लस k, ये रिमाइंडर आया हमारा और ये रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर के बराबर। तुम क्या करेंगे कि x वाली टर्म को ना x के बराबर रख लेंगे, ये x है इसके साथ और इसके साथ x है, तो ये दोनों आपस में एक साथ, तो हम x वाली टर्म को x के बराबर रखेंगे। तो हम क्या करेंगे माइनस 9 प्लस 2 के मल्टीप्लाई x को हम x के बराबर रखेंगे, जो कि एक्चुअल में इसके आगे कुछ नहीं होता, उसके आगे क्या होता है 1, अभी जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ क्या बचा 9, तो x के टेबल में x किस पर आता है 1 पे, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ है माइनस 9 प्लस 2 के, जो माइनस हो रहा है वो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, यह है 10 2 के और ये जो k है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो k की वैल्यू आएगी 5, तो हमें k निकालने के लिए बोला था हमने निकाल दिया, अब वो बोल रहा है a भी निकालना है, तो
कुछ नहीं, ए के लिए हम इस वाली टर्म को इसके बराबर रख देंगे, 10 - 8k + k² किसके बराबर हो गया, a के। अब k की वैल्यू आ चुकी है विच इज 5, तो पुट करेंगे हम वैल्यू ऑफ k, ठीक है, विच इज 5, ठीक है। और किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, हम लिखेंगे 10 - 8 × 5, फिर गेट k स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 10, 8 5 जो कितना होता है 40 और 5 5 जो 25, प्लस माइनस करेंगे 40 में से 10 गए -30 प्लस 25 और a की वैल्यू आएगी -5 और k की वैल्यू कितनी आई है 5, तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं दैट द वैल्यू ऑफ k एंड a इज 5, -5।